मेरी तरफ से कार्रवाई करी है। अब तो सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, अगला कदम तो कांग्रेस ने उठाना है, वो भी लिखित में दे। INLD और जो निर्दलीय हैं वो भी लिखित में गवर्नर को दे। हरियाणा में भाजपा सरकार के अल्पमत में आने के बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और जजपा के नेता एकजुट होने के बजाय एक दूसरे के पाले में गेंद डालते ही जा रहे हैं। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जजपा को राज्यपाल के पास जाकर लिखित में सरकार के प्रति अविश्वास जताने के लिए कहा और जजपा ने अब राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर फ्लो टेस्ट की मांग कर दी। तो हुड्डा ने जजपा के लिए एक और टास्क दे दिया जिसको पूरा कर पाना दुष्यंत के लिए तकरीबन नामुमकिन है। जी हाँ, दरअसल अब हुड्डा का कहना है कि हमारे 30 विधायक तो कमर कसकर तैयार बैठे हैं। ऐसे में अब दुष्यंत चौटाला अपने 10 विधायक लेकर चंडीगढ़ पहुँचे, हम भी 30 विधायकों के साथ राज्यपाल के सामने परेड कराने के लिए तैयार हैं। सारे विपक्ष को एक होना पड़ेगा। आज 44 का आंकड़ा पार अगर विपक्ष करती है तो फिर गवर्नर रूल प्रदेश में लागू होगा और चुनाव तुरंत बुलाए। विपक्ष में सर किसी ने आपसे कोई संपर्क साधा हो इस चीज़? मैंने मेरी तरफ से कार्रवाई करी है। अब तो सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, अगला कदम तो कांग्रेस ने उठाना है, वो भी लिखित में दे। INLD और जो निर्दलीय हैं वो भी लिखित में गवर्नर को दे और इस सरकार के विरुद्ध में अविश्वास दे। क्या लगता है सर, आएंगे सर कांग्रेस साथ में? उम्मीद है और विपक्ष को अपनी ताकत दिखानी चाहिए कि ये सरकार जो मात्र 2 महीने से कम के समय में चली है, आज जनता और लोगों का अविश्वास है सरकार के प्रति। तो असेंबली का सेशन होगा, क्या पता लगेगा। बाकी जो है हमारा प्रतिनिधि भी जो मंडल जाएगा मोहन साहब को मिलेगा और दुष्यंत चौटाला जी अपने 10 MLA लेके आ जाए, हमारे पहुंच जाएंगे। क्या लगता है आपको, हरियाणा में अल्पमत में सरकार है, सरकार बच पाएगी? अल्पमत में है और सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन बना के जनादेश लेना चाहिए लोगों ने चुनाव में। कांग्रेस कब तक गवर्नर से समय मांग रही है? तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव का असर हरियाणा की राजनीति पर पड़ेगा, विधानसभा चुनाव? हाँ, क्या लगता है हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है? ऐसा है, हरियाणा में मैं सब जगह घूमा हूँ, हरियाणा में कांग्रेस पक्ष में लहर चल रही है। दरअसल 3 निर्दलीय विधायकों द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के बाद हरियाणा की सैनी सरकार अल्पमत में आ गई है। मौजूदा वक्त में सरकार के पास बहुमत के लिए 46 विधायकों के समर्थन की जरूरत है, लेकिन 3 निर्दलीय विधायक और 2 विधायकों द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद हरियाणा की भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है, जिसको लेकर विपक्षी दलों में एकजुटता की सुगबुगाहट तेज है और लगातार सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि जजपा ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर सरकार के प्रति अविश्वास जताया है और जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराने की मांग करते हुए विपक्ष को एकजुट होने की बात कही, लेकिन नेता प्रतिपक्ष हुड्डा का कहना है कि कांग्रेस भी राज्यपाल से मिलकर मौजूदा स्थिति से उन्हें अवगत कराएगी, इसलिए अब दुष्यंत चौटाला अपने 10 विधायक लेकर चंडीगढ़ पहुंचे। कांग्रेस भी सरकार गिराने के लिए 30 विधायकों के साथ पहुंच जाएगी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि दुष्यंत चौटाला अपने 10 विधायकों को एकजुट कैसे करेंगे, क्योंकि जजपा के कई विधायक खुलकर बगावत कर रहे हैं। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।